प्रकाश के परावर्तन में आज हम लोग आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि थियरी खत्म हो चुकी है, विश्लेषण की ध्यान दीजिए। तो हम लोग आते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न यह है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर बनेगा। माने वस्तु रखी हुई है 20 सेंटीमीटर दूरी पर, पूछा जा रहा है उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा। अगर आपको थोड़ा सा भी थियरी अगर स्मरण हो तो इसका उत्तर जो है तुरंत आप बता सकते हैं, जैसा कि थियरी बताया गया था। ध्यान दीजिए, फोकस दूरी जो है 10 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी का गुना होता है वक्रता त्रिज्या, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, यानी वक्रता केंद्र की दूरी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। और आपको थ्योरी पढ़ा है कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। तो अगर थ्योरी आपको याद है तो आप इसका जवाब तुरंत दे सकते हैं, उस तरह से भी आप हल करके भी देख सकते हैं। फोकस जो आपने सूत्र पढ़ा है दर्पण के लिए, 1/f = 1/v + 1/u, यू भी अपने संबंध आपने पढ़ा, फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर, आप चिन्ह सहित मान रखेंगे क्योंकि अवतल दर्पण है, ऐसे अवतल दर्पण होता है तो इधर वस्तु होती है तो इसका फोकस भी इधर होगा, वस्तु भी इधर होगी, प्रतिबिंब भी इधर बनेगा, इसलिए सारी दूरियां ऋणात्मक होंगी। कुछ विशेष स्थिति में प्रतिबिंब इधर बनता है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होती है, उस समय जो है इधर प्रतिबिंब बनता है, भी का मान तब धनात्मक होता है। तो हर स्थिति में अवसर दर्पण के लिए यू भी और यह ऋणात्मक लिखे जाते हैं। तो यह हो गया ऋण 10 सेंटीमीटर बराबर 1/v, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना, जिसको ज्ञात करना उसको चिन्ह सहित लिखने की जरूरत नहीं, और चिन्ह सहित आता है। ये हो गया 1/, वस्तु है 20 सेंटीमीटर पर तो -20। ध्यान दीजिए, ये इसको इधर पहले हल कर लीजिए, ऋण 1/10 बराबर 1/v, और ये माइनस इसको माइनस कर देगा 1/20, 1/20 को इधर लाए तो ये हो जाएगा 1/20 ऋण 1/10 बराबर 1/20, लघुत्तम इसका 20 हो जाएगा। तो ये हो गया 1 ऋण 2, 10 की बात देंगे 2 बार जाएगा, 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो ही होगा, ये हो गया 1/20, ये हो गया ऋण 1/20 ऋण 1/20 बराबर 1/20, तो ये हो गया b बराबर 20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। अभी हमने बताया कि वक्रता केंद्र जितनी दूरी पर होता है वो वस्तु वक्रता केंद्र पर, तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनता है। ऋण चिन्ह यह बता रहा है कि इधर दर्पण से पाए पर, तो आइए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, कोई वस्तु दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूर रखी है, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, त्रिज्या आपको दिया गया है, त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो जाएगी, फोकस दूरी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, वस्तु रखी हुई 15 सेंटीमीटर पर, यानी u बराबर हो जाएगा 15
सेंटीमीटर। तो आइए हम लोग सूत्र पर आते हैं, a बटा f बराबर a बटा v प्लस a बटा u। f है 10 यानी a बटा ऋण 10 बराबर a बटा v और धन 1 बटा ऋण 15। ठीक, यह हो जाएगा 1 बटा ऋण 10 बराबर 1 बटा v ऋण 1 बटा 15। 1 बटा 15 की जगह 1 बटा 15 धनात्मक हो जाएगा यानी 1 बटा 10 बराबर 1 बटा v। 15 और 10 का भागफल क्या हो रहा है? तीस हो जाएगा। तो 15 दुना 30 ऋण 10 यानी 30 3 बराबर 1 बटा v, यह हो जाएगा ऋण 1 बटा 30 बराबर 1 बटा v। तो v बराबर हो जाएगा ऋण 30 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। यह रहा आपका उत्तर। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। फोकस दूरी है f है, f का मान दिया है ऋण 20 सेंटीमीटर, ऋण 20 सेंटीमीटर अवतल दर्पण है, इसलिए फोकस दूरी ऋणात्मक होगी और वस्तु की दूरी है u बराबर है 30 सेंटीमीटर। v ज्ञात करना है तो हो जाएगा 1 बटा f बराबर 1 बटा v प्लस 1 बटा u। मान रखें 1 बटा ऋण 20 बराबर 1 बटा v ऋण धन 1 बटा ऋण 30, यह हो गया 1 बटा ऋण 20 बराबर 1 बटा v ऋण 1 बटा 30। 1 बटा 30 को इधर लाएं, 1 बटा 30 इधर ऋण है, नारा इधर धनात्मक हो जाएगा, अरे 1 बटा 20 बराबर हो जाएगा 1 बटा v, लगभग इसका हो जाएगा 60। 30 गुना 60 20 किया 60, यह 3 हो गया बराबर हो गया 1 बटा v। यह हो गया 1 बटा ऋण 1 बटा 60 बराबर हो गया 1 बटा v। v बराबर हो गया, ये गुणा कर देंगे, v बराबर हो गया ऋण 60 सेंटीमीटर। यह आपका उत्तर हो गया। इस आधार पर बच्चों अपने प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को हल कीजिएगा, जो ना आए उसको कमेंट करिएगा, उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।